आपको क्लास टेंथ साइंस से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चंस और कुछ ट्रिक्स बताए जा रहे हैं क्लास टेंथ इन क्लास टेंथ चैप्टर वन केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। रिएक्शन एंड इक्वेशन रिएक्शन और इक्वेशन को आप जब अच्छी तरह से अंडरस्टैंड चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको इम्पॉर्टेंट है एलिमेंट्स और उसका सिंबल और उसकी वैलेंसी बहुत ज़रूरी है पहचानना। इफ़ यू आइडेंटिफाई सिंबल वैलेंसी ऑफ एन एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट देन केमिस्ट्री इज ईजी। पहले आपको कंपाउंड बनाना सीखना है, इसके लिए आपको क्लास टेन तक पहले आपको जो कंपाउंड उसमें जो नीड्स हैं आवश्यक हैं उन्हें देखना है। तो आपको पहले कंपाउंड बनाना बताते हैं, तो इसके लिए आपको वैलेंसी तैयार रखना है इम्पोर्टेंट एलिमेंट के लिए, जैसे हाइड्रोजन सोडियम सोडियम पोटेशियम सिल्वर गोल्ड अमोनियम, इनकी वैलेंसी वन होती है। हाइड्रोजन सोडियम पोटेशियम सिल्वर गोल्ड अमोनियम, हाइड्रोजन की वैलेंसी भी वन है। ये सोडियम है, इसका लैटिन नेम नेट्रियम है, इसलिए Na। ये पोटेशियम है, इसका लैटिन नेम कैलियम, इसलिए के। सिल्वर अर्जेंटम, इसलिए Ag। गोल्ड Rm, इसलिए Au स्पेलिंग है। और ये अमोनियम, ये फर्स्ट वैलेंसी। सेकंड वैलेंसी वाले कैल्शियम मैग्नीशियम जिंक, यहाँ कॉपर फर्स्ट वैलेंसी, कॉपर टू वैलेंसी वाला भी है। मर्करी टू वैलेंसी, आयरन टू वैलेंसी, और ये मैंगनीज टू वैलेंसी। बोरान थ्री वैलेंसी, एल्युमिनियम थ्री वैलेंसी, आयरन थ्री वैलेंसी थ्री वैलेंसी। यहाँ आपको बता दें क्यूप्रेस की वेरिएबल वैलेंसी है, इसे अस के नाम से क्यूप्रेस, जनरली ये क्यूप्रम है कॉपर, और ये है क्यूप्रिक,
आयरन में ये है फेरस और ये है फेरिक। ऐसे ही मर्क्यूरस और मर्क्यूरिक फोर प्लस, प्लम्बस टू वैलेंसी, प्लम्बिक फोर वैलेंसी, कम वैलेंसी वाला अस के नाम से, ज़्यादा वैलेंसी वाला इक के नाम से, प्लम्बिक। ये इस तरह से आपको ये पॉजिटिव ये रेडिकल्स हैं, ये बेसिक रेडिकल्स भी कहलाते हैं। और इसके बाद आपको नेगेटिव रेडिकल्स देखना है। नेगेटिव में ख़ासतौर से आपको हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्राइट, नाइट्रेट, ये नाइट्राइट और ये नाइट्रेट। और एक और आपको बता दिया जाता है, वैसे क्लोरेट भी है, क्लोरेट इसकी वैलेंसी वन, और CH3COO ये एसीटेट, ये क्लोरेट। इसके बाद टू वैलेंसी वाला ऑक्सीजन, सल्फर सल्फाइड, सल्फेट और ये कार्बोनेट। जबकि थ्री वैलेंसी के लिए केवल आपको याद रखना है फास्फेट। इससे आप कंपाउंड तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एक चीज़ और बता सकते हैं हम आपको कि एच प्लस, ये जो एच प्लस है इसे यदि आप यहाँ ओ एच को छोड़कर बाकी इस पार्ट से कंबाइन करेंगे, मिलाते हैं, तो ये आपको एसिड तैयार करने में मदद करेगा। जबकि ओ एच, ये ओ एच को आप इससे कंबाइन करते हैं, ये तो ये बेस बनाएगा। बेस यदि आपने एच प्लस को जैसे HCl, HBr, HI, HNO2, HNO3, HClO3 और CH3COOH इस तरह से बनाते हैं, या H2SO4, H2CO3, H3PO4, तो ये एसिड बनेगा। और OH को यदि आप इनसे कंबाइन करते हैं, जैसे NaOH, KOH, NH4OH, CaOH होल ट्वाइज, MgOH होल ट्वाइज, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, आयरन हाइड्रोक्साइड, तो ये बेस बनेगा। बेस इनके द्वारा यहाँ बेस तैयार होगी। और यदि आप ये सर्किल और इस सर्किल में आप आपस में कनेक्ट करते हैं इनको, तो ये साल्ट तैयार होगा। अब आपको कंपाउंड तैयार करना है। जैसे तो देखिए कंपाउंड में आपको यहाँ पर ये तैयार करना बताते हैं। कंपाउंड के लिए जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखना है आपको, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड
हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए सोडियम Na और हाइड्रोक्साइड OH, Na एक प्लस और OH एक माइनस, ये दोनों की बैलेंस ही वन है। तो इस तरह से ये तैयार हो जाएगा आपका NaOH। फिर उसके बाद आपको जैसे कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तैयार करना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाना है, तो कैल्शियम की वैलेंसी 1 2 है यहाँ पर, इसी में तैयार किया आपने, और हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी आपको 1, हाइड्रोक्स की वैलेंसी 1। तो इसका जो 1 है ये यहाँ चला जाएगा और 2 ये जो है ये यहाँ चला जाएगा, ये पूरा एक ही है ब्रैकेट। तो इस तरह से आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब जैसे मान लो आपको एक टफ है कंपाउंड तैयार करना है, एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम ये है एल्युमिनियम यहाँ पर और ये है सल्फेट, तो एल्युमिनियम सल्फेट तैयार करना है आपको, एल्युमिनियम सल्फेट तैयार करना है। तो एल्युमिनियम की वैलेंसी आपको 3 प्लस और सल्फेट की वैलेंसी 2 माइनस, ये ब्रैकेट लगाना, ये पूरा ग्रुप रेडिकल्स है ये सिंगल, तो 2 यहाँ चला जाएगा और 3 यहाँ चला जाएगा, तो इस तरह से आपको प्राप्त हो जाएगा Al2 SO4, एक साथ लिखना है इसको, 3 मिल रहा है, एल्युमिनियम सल्फेट इससे कंपाउंड तैयार हो गया। फिर आपको जैसे आप फेरस हाइड्रोक्साइड बनाना है या फेरस सल्फेट बनाना है और फेरिक सल्फेट, तो फेरस सल्फेट लिखना है ये आपको, सल्फेट, तो Fe वैलेंसी 2 और सल्फेट की वैलेंसी भी 2 है, इस तरह से ये दोनों कॉमन हो जाएंगे या दोनों का 2 बाहर आगे लिख जाएगा, तो ये हो जाएगा Fe SO4, ये फेरस सल्फेट हो गया। यदि आपको फेरिक ऑक्साइड लिखना है या फेरिक सल्फेट लिखना है, चलिए फेरिक ऑक्साइड बनाते हैं पहले, ये देखिए फेरिक ऑक्साइड, तो फेरिक ऑक्साइड के लिए Fe की वैलेंसी 3 है और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, तो 2 यहाँ चले जाएगा, 3 यहाँ चले जाएगा, Fe2O3, ये फेरिक ऑक्साइड हो गया। आपको ये याद रखना है यदि सेम नंबर रहते हैं तो वो उसको आप यहाँ नीचे नहीं लिखेंगे, कॉमन लिख बन जाता है, और ऑड नंबर रहते हैं तो वो क्रॉस होकर नीचे आ जाएंगे। इस तरह से ये कंपाउंड तैयार करने का तरीका है, आप कुछ भी तैयार कर सकते हैं, क्रॉस करके ही बनाए जाते हैं, उनकी वैलेंसी एक्सचेंज हो जाती है और इस तरह से आपको ये तैयार हो जाता है। आप इसे तैयार कीजिए, इसके द्वारा कंपाउंड बनेंगे और ये वैलेंसी करने में आपको केमिकल रिएक्शन जो इक्वेशन रहता है उसको बैलेंस करने में काम आएगा, तो ये ज़रूर तैयार रखिए आप। आपको नेक्स्ट राउंड में क्लास 10 के जो डेफिनेशंस हैं इम्पोर्टेंट्स, जैसे केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन, उसके अंतर्गत आने वाले कुछ यानी कि जैसे कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक और साथ में और भी जो अदर रिएक्शन हैं ऑक्सीडेशन, वो आप विद एग्जांपल के यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। थैंक्स। आप हाउ डू यू फील, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए आप इसे, थैंक यू।